राहुल गांधी की भविष्यवाणी हुई सच, लेकिन खुद मुश्किल में फंसे। घर को लेकर एक महीने पहले ही राहुल ने कर दी थी भविष्यवाणी। प्रियंका गांधी से भी घर खाली करा चुकी है मोदी सरकार। मेरे पास कोई घर नहीं है, मेरा अपना कोई घर नहीं है, ऐसा घर नहीं है जिसका मैं मालिक हूँ, जो भी है सरकार का दिया है, किरायेदार हूँ। मुझे ये बात 1977 में पता चली थी, तब मैं छोटा था। राहुल गांधी एक महीने पहले मीडिया के सामने ये सब बातें कह चुके हैं। दावा कर रहे थे कि दिल्ली के लुंडेस जोन में बना बदारा तुगला का लेन वाला बंगला सरकारी है और सरकारी बंगला कभी भी अपना नहीं हो सकता, सरकार कभी भी खाली करा सकती है। और राहुल गांधी की भविष्यवाणी एक महीने में ही सच साबित होती दिख रही है। राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक घर खाली करना है और राहुल गांधी ने लोकसभा सचिवालय को सूचना दे दी है कि वो समय से पहले ही घर खाली कर देंगे। दरअसल इस समय राहुल गांधी किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं और संसद सदस्यता के अयोग्य होने के बाद उन्हें घर खाली करना ही होगा। सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी को पहले से ही यह आभास हो गया था कि उन्हें घर खाली करना होगा, वो बंगला छोड़ना पड़ेगा जिसमें वो 19 साल से रह रहे हैं। एक महीने पहले ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ था। इसमें राहुल गांधी ने कहा कि 52 साल का होने के बावजूद अपना कोई घर नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को अपना राजाजी मार्ग बंगला देने की पेशकश की है। राहुल ने खड़गे को सदी के चौथाई भाग तक गांधी परिवार से अध्यक्ष देने के बाद उन्हें गैर गांधी नेहरू परिवार से अध्यक्ष बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह अपनी माँ सोनिया गांधी के 10 जनपद बंगले में भी रह सकते हैं, जहाँ वह पहले 14 साल से रह चुके हैं। खड़गे के अलावा कई दूसरे कांग्रेस सांसदों ने भी राहुल को अपने सरकारी आवास की पेशकश की है। हालांकि राहुल ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे। राहुल गांधी के दूसरी पसंद दिल्ली NCR में रॉबर्ट वाड्रा के कई घरों में से किसी एक में जाना है। 1989 में संसदीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार के बाद गांधी परिवार 1990 में 10 जनपद में शिफ्ट हो गया, जो उस वक्त उनके पिता राजीव गांधी को पूर्व प्रधानमंत्री की हैसियत से आवंटित किया था। राजीव गांधी 10 जनपद में बमुश्किल 1 साल रहे, क्योंकि 1991 के लोकसभा चुनाव के दौरान राजीव गांधी की जान ले ली गई। बंगलाबाद में नियमों के खिलाफ सोनिया गांधी को आवंटित कर दिया गया, क्योंकि गांधी परिवार की सुरक्षा प्रमुख चिंता थी। राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी 1997 में रॉबर्ट वाड्रा से शादी के बाद 10 जनपद से बाहर निकलने वाली गांधी परिवार की पहली सदस्य रहीं, क्योंकि उस समय केंद्र में संयुक्त मोर्चा सरकार कांग्रेस पार्टी के बाहरी समर्थन के साथ सत्ता में थी। इसलिए प्रियंका को सुरक्षा के बहाने लोधी एस्टे में एक बंगला आवंटित कर दिया गया। सांसद चुने जाने के बाद राहुल 10 जनपद से बाहर निकलने वाले दूसरे व्यक्ति बने। हालांकि पहली बार सांसद के रूप में वह टाइप 7 बंगले के हकदार नहीं थे, लेकिन मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाले कांग्रेस सरकार ने उन्हें सुरक्षा के नाम पर विशाल बंगला आवंटित कर दिया। लेकिन केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद स्थिति बदलने लगी। जुलाई 2020 तक गांधी परिवार के 3 सदस्य नई दिल्ली में 3 अलग अलग भव्य सरकारी बंगलों में रहते थे, लेकिन मोदी सरकार ने सबसे पहले 2019 में गांधी परिवार की सुरक्षा को कम किया और 2020 में प्रियंका गांधी को लोधी एस्टे बंगला खाली करने के लिए मजबूर कर दिया। प्रियंका ने अपने पति रॉबर्ट वाड्रा और 2 बच्चों के साथ 23 साल तक वहां रहने के बाद बंगला खाली कर दिया और वाड्रा के गुरुग्राम के एक पेंट हाउस में शिफ्ट हो गई। दिलचस्प बात यह है कि अगर राहुल एक बार फिर अपनी माँ सोनिया गांधी के साथ रहने का फैसला करते हैं तो भी उन्हें 1 साल के भीतर नए घर की खोज करनी होगी। इसका कारण यह है कि सोनिया गांधी अगले साल से सांसद भी नहीं रह सकती। संकेत है कि खराब स्वास्थ्य के कारण वह चुनावी राजनीति से बाहर हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉर्दर्न न्यूज़।